दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पी आइडियो का बहुत ही ज़्यादा फेमस स्पीकर के बारे में बात करने वाले हैं। यह पी आइडियो का चैलेंजर सीरीज का स्पीकर है जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। आज की वीडियो में हम लोग पी आइडियो का C18-1000V2 और C18-1000V3 बेस स्पीकर के बारे में बात करने वाले हैं। इसके लिए हमें कौन सा एम्पलीफायर लेना चाहिए, कितने वाट का लेना चाहिए, साथ ही साथ इस स्पीकर का स्पेसिफिकेशन और प्राइस डिटेल्स क्या होगा इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा दो स्पीकर के लिए कौन सा एम्पलीफायर लेना चाहिए या फिर चार स्पीकर के लिए कौन सा एम्पलीफायर सबसे अच्छा रहेगा। दोस्तों पी आइडियो का V2 स्पीकर पुराना मॉडल है और V3 इसका न्यू मॉडल स्पीकर है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको इसका सारा कुछ डिटेल्स मिलने वाला है। सो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको स्पीकर का क्लोज लुक दिखाते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही डीजे से रिलेटेड टॉपिक पर वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पी आइडियो के C18-1000V2 और C18-1000V3 बेस स्पीकर के बारे में। आज की वीडियो में इन दोनों स्पीकर के प्राइस डिटेल्स, स्पेसिफिकेशन और इनके लिए बेस्ट कैबिनेट कौन सा होगा, इन्हें हमें फ्रंट कैबिनेट में या फिर रिवर्स कैबिनेट में यूज करना चाहिए, इसके लिए कौन सा कैबिनेट लेना चाहिए, इसके अलावा इन स्पीकर का एक्चुअल RMS वाटेज क्या है, क्योंकि इसके लिए हम RMS पावर के कैलकुलेशन के हिसाब से एम्पलीफायर लगाने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इनके लुक के बारे में कि स्पीकर लुक वाइज हमें कैसा देखने को मिलता है। दोस्तों V2 स्पीकर का लुक कुछ ऐसा देखने को मिलता है। इसके टॉप में आइडियोटोन का ब्रांडिंग, इसका मॉडल नंबर, स्पीकर का वाटेज और भी जरूरी डिटेल्स मेंशन किया गया है। इसमें एयर वेंटिलेशन के लिए इसके सेंटर में एक बड़ा सा होल दिया गया है और इसके TOG पर भी होल्स दिए गए हैं जिससे स्पीकर का क्वाइल ओवरहीट ना हो, ताकि आप इसे लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकें। इसका पुश टर्मिनल आप लोग देख सकते हैं जो ब्लू एंड रेड कलर की कोडिंग में दिया गया है। अगेन दोस्तों इसके पुश टर्मिनल के पास भी एक स्टिकर लगाया गया है जिसमें स्पीकर का कनेक्शन का डिटेल्स और कंपनी का लोगो दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं इसके पेपर कोन के बारे में। इसमें 3 लेयर का एक्समास दिया गया है। दोस्तों इसका यह एक बेनिफिट होता है कि जब आप अपने स्पीकर को बजाते हैं तो उसका कोन मूव करता है, इसका वॉइस कॉइल आगे पीछे मूव करता है, जिससे स्पीकर का ओवरऑल सस्पेंशन बहुत अच्छा होता है। दोस्तों जिस स्पीकर का सस्पेंशन जितना अच्छा होता है उस पर पंच और वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा मिलता है। इसके डस्ट कैप की बात करें तो इसमें मशीन सील्ड डस्ट कैप दिया गया है जो देखने में काफ़ी सॉफ्ट लगता है। दोस्तों अब बात करते हैं V3 स्पीकर के बारे में कि यह स्पीकर लुक वाइज कैसा देखने को मिलता है। अगेन दोस्तों इस स्पीकर के टॉप में भी पी आइडियो का ब्रांडिंग, स्पीकर का मॉडल नंबर, इसका पावर और भी स्पीकर से रिलेटेड डिटेल्स दिया गया है। सेम इसमें भी एयर वेंटिलेशन के लिए इसके सेंटर में एक बड़ा सा होल दिया गया है और इसके TOG पर भी बहुत सारे होल्स दिए गए हैं। अगेन दोस्तों इसका भी पुश टर्मिनल ब्लू एंड रेड कलर की कोडिंग में दिया गया है। इसके कोन की बात करें तो इसमें भी 3 लेयर का एक्समास और मशीन सील्ड डस्ट कैप दिया गया है। दोस्तों इसका भी सस्पेंशन बहुत अच्छा है जिससे एक तगड़ा पंच सुनने को मिलता है। दोस्तों इन दोनों स्पीकर का चेसी एल्युमिनियम का दिया गया है जो देखने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है। दोनों स्पीकर में V3 स्पीकर का चेसी का डिज़ाइन बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का दिया गया है जो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव सा लगता है। दोस्तों चलिए बात करते हैं इनके स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों अभी मैं जो पैरामीटर्स बताऊँगा वो दोनों स्पीकर के लिए सेम टू सेम दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनके पावर रेटिंग के बारे में। V2 स्पीकर में 1500W AES और V3 में 1600W AES पावर दिया गया है। V3 स्पीकर में पावर थोड़ा ज़्यादा दिया गया है, इसका लाउडनेस V2 से थोड़ा ज़्यादा होगा। दोनों स्पीकर का इम्पीडेंस 8 ओम है और दोनों स्पीकर का सेंसिटिविटी 97 dB दिया गया है। दोनों स्पीकर का फ्रिक्वेंसी रेंज 30 Hz से स्टार्ट होकर 200 Hz तक दिया गया है। दोनों स्पीकर का मैग्नेट फेराइट में दिया गया है और दोनों स्पीकर में 4.5 इंच का इनर आउटर लार्ज वॉइस कॉइल दिया गया है जो कि लॉन्ग थ्रो में पंच और वाइब्रेशन के लिए बनाया गया है। दोनों स्पीकर का एक्समास 5 mm का दिया गया है। एक्समास का मतलब होता है कि स्पीकर का कोन अपनी नॉर्मल पोजिशन से कितना ज़्यादा बाहर की तरफ आता है। दोस्तों बात करते हैं दोनों स्पीकर का एक्चुअल RMS पावर क्या होगा। V2 स्पीकर का AES पावर 1500W है तो इसका एक्चुअल RMS पावर लगभग 1150W होगा, और V3 स्पीकर का AES पावर 1600W है तो इसका एक्चुअल RMS पावर 1230W के लगभग होगा। दोस्तों दोनों स्पीकर का RMS पावर 1200W के आसपास है तो आपको इन दोनों स्पीकर के लिए एक ऐसा एम्पलीफायर चूज करना पड़ेगा जिसका सिंगल चैनल का पावर आउटपुट एटलीस्ट 2500W का होना चाहिए। इन दोनों स्पीकर के लिए आप 1200W RMS पावर के हिसाब से एम्पलीफायर ले सकते हैं। इसके लिए हम RMS पावर कैलकुलेशन के हिसाब से एम्पलीफायर लगाने वाले हैं।
दोनों स्पीकर में बिल्कुल सेम पैरामीटर्स दिया हुआ है, ओनली इसके पावर में डिफरेंस दिया हुआ है। दोस्तों इसके लिए सबसे बेस्ट एम्पलीफायर है आइडियो स्टैंडर्ड का VP8000। यह 52 वाट का एम्पलीफायर है और इस एम्पलीफायर पर टोटल 4 बेस स्पीकर यूज कर सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। एक चैनल पर 2 स्पीकर और दूसरे चैनल पर भी 2 स्पीकर कुछ इस प्रकार से कनेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आप MT1601 भी यूज कर सकते हैं, इसमें भी बेस बहुत अच्छा सुनने के लिए मिल जाएगा, लेकिन वॉल्यूम आपको 70% से ज़्यादा नहीं खोलना होगा। या फिर इसके लिए आप NLabs का X5 एम्पलीफायर भी यूज कर सकते हैं, यह एम्पलीफायर भी इसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगा। दोस्तों दोनों स्पीकर में 6000 वाट का पीक पावर दिया गया है। पीक पावर का मतलब होता है जैसे किसी किसी सॉन्ग में कुछ टाइम के लिए साउंड बहुत ज़्यादा होता है तो उस साउंड को स्पीकर झेल सके, यह बहुत कम समय के लिए 2 सेकंड या 5 सेकंड तक ही होता है, अगर इससे ज़्यादा हुआ तो स्पीकर जल सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके लिए बेस्ट कैबिनेट कौन सा होगा। इस स्पीकर का वास 130 लीटर का दिया गया है, तो आपको एक ऐसा कैबिनेट लेना पड़ेगा जिसका ओवरऑल वॉल्यूम 130 लीटर का होना चाहिए, तभी आपको बेस्ट आउटपुट सुनने के लिए मिलेगा। दोस्तों इस स्पीकर को फ्रंट लोडेड डुअल कैबिनेट में भी यूज कर सकते हैं या फिर सिंगल स्पीकर कैबिनेट में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आप डुअल यूज कर रहे हैं तो आपको क्रॉस स्पीकर वाला कैबिनेट लेना पड़ेगा। इस प्रकार के कैबिनेट में प्रेशर बहुत अच्छा जनरेट होता है जिससे आपको बेस्ट साउंड क्वालिटी सुनने को मिलता है। दोस्तों पी आइडियो का चैलेंजर सीरीज का यह दोनों स्पीकर ओनली फॉर बेस के लिए बनाया गया है, इसमें आपको लो फ्रिक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा मिलने वाला है। यह स्पीकर हाई लेवल डीप बेस के लिए बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों इसमें कुछ अदर्स फीचर भी दिए गए हैं उसके बारे में बात करते हैं। इसमें 4.5 इंच का लार्ज फॉर्मेट वॉइस कॉइल दिया गया है और इसमें 6000 वाट का पीक पावर दिया गया है। इसमें ABC टेक्नोलॉजी दिया गया है, ABC का मतलब होता है ऑटो बैलेंस कूलिंग सिस्टम। यह टेक्नोलॉजी आपके स्पीकर की रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करता है। दोस्तों इसमें फेराइट मैग्नेट लगाया गया है और इस स्पीकर में फुल्ली कॉपर इनर आउटर वॉइस कॉइल दिया गया है। इसके अलावा इसमें डुअल स्पाइडर सस्पेंशन दिया गया है और उस स्पाइडर को एक रिंग पर फिट किया गया है जिससे काफ़ी प्रेशर के बावजूद भी स्पाइडर लूज नहीं होता है। ओवरऑल दोस्तों दोनों ही स्पीकर बेस के लिए एक सुपर हैवी स्पीकर है, दोनों स्पीकर में वाइब्रेशन बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप न्यू मॉडल वाला ही स्पीकर लीजिए, यह आपके DJ सेटअप के लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में कि इस स्पीकर का 2023 का न्यू प्राइस क्या होगा। V2 स्पीकर का अप्रोक्स प्राइस 15,000 है और V3 स्पीकर का अप्रोक्स प्राइस 16,500 है। दोस्तों यह अभी के टाइम का प्राइस है, स्पीकर का प्राइस हमेशा एक जैसा नहीं रहता, इसका प्राइस अप डाउन होता रहता है। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।